अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और जिंदगी की खुशियों के साथ। आज हम बनाने लगे हैं लौकी गोश्त, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम नए थोड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, इस तरह से सब लोग बनाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गोश्त डालेंगे और इसको हम ऑयल से फ्राई कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट तकरीबन हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे मोटा मोटा, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बादियान का फूल, जीरा, काली मिर्च और लौंग डाल देंगे। अब हम इसमें नमक, साबुत धनिया, हल्दी और मिर्च डालेंगे। साबुत धनिया डालेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये गोश्त 50% गल जाए और बाकी 50% हम लौकी के साथ इसको बनाएंगे। पर हमने बंद कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद हमने कुकर को खोल लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। पहले चूल्हा जला लें। अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से ताकि प्याज टमाटर सब मिक्स हो जाए। ये देखिए वो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें लौकी डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि लौकी और गोश्त गल जाए और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम कुकर लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके का बनाया है मैंने, आपको बहुत पसंद आएगा, पसंद करें।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपनों की मोहब्बतों में रखे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।